गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी ना देखो 6:30 बज रहे हैं। हम लोग आए थे रात को 12:15 बजे के आसपास यहाँ पे। हमने सोचा था सुबह का शाही स्नान जो करेंगे, पहला स्नान 4 बजे करेंगे, बट यार ठंड बहुत है बार, हम सो गए। अब उठे हैं, अब जाते हैं, अब देखते हैं क्या सीन है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जनवरी और आज है कुंभ मेला 2021 का पहला स्नान। हमारी कार पीछे खड़ी है, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, मैं, प्रशांत भाई और अजय भाई। अजय भाई से आपको मिलाऊंगा, आपको मिलवाया नहीं है। हम लोग यहाँ पे आ गए थे रात को 12:15 बजे एंड हमने डिसाइड किया था कि यार हम सुबह 4 बजे जाके ना यहाँ पर स्नान करेंगे, बट हम लोग तब सो गए। हमारी आँख खुली 6:00 बजे। बाहर आया हूँ, भाई पीछे है और ये हमारे प्रशांत जी, आग सेकते हुए। भाई कैसा लग रहा, ठंड लग रही है प्रशांत भाई जी? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो इसलिए थोड़ा ठंडे के पास आ गया ताकि मैं अपनी बॉडी को बहुत वैसा कर सकूँ। बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे। आप आओ तो मतलब अपने बरमूडा स्लीपर्स और ऐसे मतलब गोवा वाली स्टाइल में आना। वापस जाओगे कि नहीं पता। और ये है हमारे अजय भाई। अजय भाई कैसा लग रहा है बताओ, मुंह की चुबा लिया आपने। अजय भाई की ना रात में ठंड में घड़ी बन गई थी और ये जब यहाँ रात में पहुंचे थे तो ये 6 फीट के थे और सुबह उठे तो 3.5 फीट के निकले। यार एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना तो हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है उसके आसपास ना खाली पड़ा था। जब हम लोग सुबह उठे हैं तो बाबा सब भरा हुआ है, ये सारी पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है। अब हमारी वहाँ गाड़ी सामने खड़ी है। तो यार हम लोगों ने कुछ ये भी सोचा था कि यहाँ पे आएंगे रात को, अपना टेंट लगाएंगे यहाँ पर घाट पर। हम तो लगा नहीं पाए, एक पीछे भाई ने लगा रखा है। भाई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना, अभी उतनी भीड़ नहीं हुई है ना प्रशांत भैया? नहीं नहीं, भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आई हैव बीन टू कुंभ इन उज्जैन। अच्छा, पता है यहाँ पांव रखने जगह नहीं होती। कुंभ इज लाइक इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑन दिस प्लैनेट। इससे बड़ी कोई फेस्टिवल है भी नहीं और हो भी नहीं सकती। आजी भाई ठंड लग रही है? नहीं नहीं भाई, फुल गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे। मतलब वही गोवा वाली गर्मी है भाई। ओहो, मतलब कोई बात मतलब गोवा में अब टोपी वोपी पहन के जाएंगे हम लोग। मेक श्योर हाथों में कुछ पहन के आओ, हाथ में बहुत ठंड लगती है, बाकी बॉडी कवर होती है। मेक श्योर कि हाथ में कुछ जरूर पहन के आओ, यार ठंड बहुत है। कोविड के वजह से ऑफिशियली मना कर दिया गया था कि स्नान नहीं हो पाएगा, बट भक्तजनों ने तो आना था ना, और सारी गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा था। तो हर की बॉडी जाने के लिए ना पहले एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे चेकिंग चल रही है, आपने मास्क पहना है नहीं पहना है। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी रखी गई है, प्रॉपर चेकिंग चल रही है, आपको मास्क लगा के रखना जरूर है अपने चेहरे। चलो कार्ड में चलते हैं। में पड़ने वाले पर्व को कुंभ कहते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब सूर्य मेघ राशि पर और गुरु कुंभ राशि पर होता है, उस समय हरिद्वार में कुंभ का योग होता है और इस बार ये स्थिति 11 साल में आ गई थी। कुंभ 2022 की जगह 2021 में हो रहा था। तो लास्ट टाइम जब कुंभ हुआ था ना हरिद्वार में, मैं बहुत छोटा था, इतने होश नहीं थी। कुंभ में आया था मैं नहाने, बट याद नहीं था ढंग से अभी भी।
इस बार बहुत एक्साइटमेंट थी हमें, और एक्साइटमेंट देखो हमारी अब आप लोग कि कितना मजा आ रहा था हमको। आराम से भाई, अब करते हैं अपना पहला स्नान, कुंभ 2021 मिलेगा, बस एक सीटी मारेगा बस। हाँ चलो, तो यार हमारा आज का पहला स्नान हो चुका है कंप्लीट, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। पहला डुबकी मारती ना सारी ठंड भाग गई हमारी, और आगे की वीडियोज ना आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं कुंभ के बारे में। मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो यार आई होप आप लोगों का हमारा आज का ब्लॉग अच्छा रहा होगा। पता है अभी कुंभ ना 48 डेज और चलने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे आओ। बाकी वीडियोज देखना मेरी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज होने वाली है कुंभ के बारे में स्पेशली, है ना। यस ब्रो, स्पेशली कुंभ के बारे में आपको हम गाइड करेंगे, कैसे कैसे आपको आना है, कहाँ पार्क करना है, क्या क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, क्या क्या मजे करने हैं। खाने का भाई बहुत बड़े, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो चलो यार, हर हर महादेव।